जय 2026। बहुत दिन हो गए यार बात किए हुए हमें, तो आज बात कर लेते हैं थोड़ी। और आप लोग यार अगर ये वीडियो देख भी रहे हो ना, आप लोग रिलेटिवली स्मार्ट बच्चे ही हो, ठीक है? आप लोग अवेयर बच्चे हो, आप लोग डेडिकेटेड बच्चे हो। मतलब 10वीं क्लास में कौन ये सब दिखता है यार। अगर तुम ये भी देख रहे हो, यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एक्चुअली। लेकिन फिर भी आज की वीडियो में मैं एक बार रीइटरेट करना चाहूंगा कि क्या इंपॉर्टेंस होती है अर्ली प्रेप करने की, और इस टाइम को सबसे बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। और आप अगर देखेंगे मेरे पूरे चैनल का थीम ही यही है कि यार मैं बच्चे को ना एक बार उस डायरेक्शन में पुश कर दूं। क्योंकि अगर वो एक बार पुश हो गया ना, मतलब आप एक बार अगर सही में अपने प्राइम में आकर आप पढ़ने लग गए ना इस ड्यूरेशन में, 9th और 10th, बाकी सब आप खुद फिगर आउट कर लोगे यार। आप स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है? तो अगर नए हो सब्सक्राइब नोटिफाई कर लेना, ठीक है? बहुत मजे से यहाँ पे काम होता है। तो यार अपन बात करते हैं यार, ये ग्राफ ना मैं बहुत बनाता रहता हूँ जेई वाले बच्चों के लिए, ठीक है? तो ये है आपकी IIT, ये है आपकी 12th का एंड, ये है आपकी 12th और ये है आपकी 11th। एक ट्रेडिशनल बच्चा जो होता है ना, वो जेई प्रेप ऐसे शुरू करता है कि कुछ ऐसे ऐसे चीजें उसको पहले समझ में नहीं आती है, फिर धीरे धीरे समझ आती है, फिर एक साथ कवरेज लास्ट में बहुत सारा होके वो पहुंच जाता है। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा सा उसको टिल्ट कर देते कैमरा को, अब आपको शायद बेटर दिखेगा, राइट? हाँ, तो ये बच्चा जो था इसको देखो, स्टार्टिंग मतलब ये बेसिकली ये बता रहा है कि कितना आपका नॉलेज लेवल या कितना सिलेबस कवरेज टाइप है। तो 11th में देखो बैकलॉग होती है, इतना समझ में नहीं आता है। 12th में आते थे कुछ चीजें क्लियर होती है, फिर आप पढ़ना भी ज्यादा करते हो तो आप यहाँ पहुंच जाते हो। अब आप सोचिए कि आपने ये सेम ग्राफ अगर एक साल पहले शुरू कर दिया होता, 10th में अगर हो अभी, ठीक है? वैसे तो 10.5 में आ गए हो अब आप लोग, पर ठीक है, आपने अगर 10th में शुरू कर दिया होता तो ये सेम ग्राफ ना शिफ्ट होकर कुछ ऐसा बन जाता शायद, ठीक है? तो आप 11th के एंड में ही काफी अच्छी पोजिशन पर होते, ठीक है? 11th के एंड में ही आप काफी अच्छी पोजिशन पर होते। अब चलो ठीक है यार, अपन ये भी नहीं मानते, अपन मानते 12th में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ डिफरेंस? एक इस बच्चे का स्ट्रगल देखो 11th 12th में, और इस बच्चे का स्ट्रगल देखो 11th 12th में। आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत इस पीरियड में करनी पड़ रही है सिलेबस कवर करने के लिए, जबकि इस बच्चे का बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। ये एक नॉर्मल जेई एस्पिरेंट का ग्राफ होता है, और वैसे ना ये सही नहीं है। नॉर्मल जेई एस्पिरेंट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये सिलेक्शन ही नहीं हुआ, पहुंचे ही नहीं, क्लियर ही नहीं हुआ एग्जाम, क्योंकि हुआ ही नहीं। ये तो एक अच्छे जेई एस्पिरेंट का ग्राफ है, जिसका हो गया सिलेक्शन उसका ग्राफ है ये, ठीक है? कि बाद में उसको चीजें समझ में आने लग जाती है। लेकिन अगर आपने यही चीजें थोड़ी सी पहले शुरू कर दी ना 10वीं में ही, काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और एक्चुअली ना अगर आप सच में इस ग्राफ पर चल जाते हो कि आप सच में अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, तो आप यहां पर जा सकते हो। ये पता है क्या होता है? ये होता है आपकी ओलंपियाड, ये होता है आपके फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये होती है आपकी रिसर्च, ये होती है बड़ी चीजें, बड़े लोगों वाली चीजें, ये होती है ऑल इंडिया रैंक 1। यहां पे आपको आने का एम होना चाहिए, और आप कर सकते हो क्योंकि आप 10वीं से अवेयर हो। कई सारे बच्चे होते हैं आपके जैसे ही जो 11th से शुरू करके IIT पहुंचते हैं, हर साल होते हैं यार, मतलब 50-60% जो जेई एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो फ्रेश 11th से स्टार्ट करके ही प्रिपरेशन करते हैं और निकाल भी लेते हैं। ओके, ऑलमोस्ट 50% लोग 11th से ही शुरू करके निकाल भी लेते हैं। ओके, तो अगर आप 10.5 में भी हैं, 10वीं में हैं, या इवन 9वीं में, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, सब यूज करो। बाद में ना बच्चों क्या होता है, रिग्रेट होता है यार। मतलब मुझे मेरी लाइफ में पता है अभी तक कोई रिग्रेट नहीं है कि यार मैं ये चीज कर लेता बढ़िया रहता, क्योंकि ना मैंने अब तक हर एक मूव सही खेला है। 9वीं 10वीं मैंने पहले का पढ़ लिया, 11वीं 12वीं में ढंग से पढ़ाई करके जेई निकाल के अच्छी जगह पहुंच गए, फिर IIT में भी मैंने अपना ये सब ऑनलाइन ब्रांडिंग ये सब शुरू कर दिया, अपना खुद का कंपनी मैंने IIT में ही खोल लिया, ठीक है? अभी मैं दूसरी चीजों में भी घुस चुका हूँ, तो ना मेरे को अभी कोई रिग्रेट नहीं है कि यार सब कुछ सही जा रहा है लाइफ में, मुझे लगता है यार बिल्कुल सही चल रहा है अपन। लेकिन अगर मैंने ये सब नहीं किया होता, लेट से मैं IIT बॉम्बे में नहीं जा पाता, मैं IIT मंडी में होता, या मैं IIT में ही नहीं होता, मैं NIT में कहीं कहीं नहीं होता, Tier 3 में होता, तो अभी पता नहीं, बहुत रिग्रेट होते, दुनिया भर के रिग्रेट होते भाई। तो रिग्रेट आएंगे आपको, और वो तब नहीं आएंगे जब आप अभी का टाइम यूटिलाइज करो। मतलब आप अभी जो मतलब आप पढ़ाई के अलावा अभी क्या कर रहे हो, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या कर लोगे? मतलब लेट से आप सोचते हो कि नहीं यार मैं भी पढ़ना नहीं चाहता इतना, तो ठीक है चलो ठीक है, आप क्या कर रहे हो पढ़ने की जगह? क्या कर रहे हो बताओ, क्या कर रहे हो? मतलब क्या एक्टिविटी कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि इससे आपको खुशी मिल जाएगी? एक्चुअली खुशी ना, एक इंसान को खुशी उसी काम से मिलती है कि वो अपना कोई मिशन है ना उसकी तरफ वर्क कर रहा है। भाई मैंने सारे काम किए हुए हैं, जितने भी अनाप शनाप काम होते हैं ना, आप सारे लिस्ट बनाते, मैंने सब किए हुए, किसी में सच्ची खुशी नहीं मिलती है। इन दी एंड हमारे दिमाग में पीछे चल रहा होता है यार कि यार ये समय ना अपने बर्बाद कर दिया, ठीक है? मतलब ये सब जो बातें होती है ना, चाइल्डहुड इंजॉय करना यार, वो हो जाता है यार। ऐसा कोई कार्टून नहीं है जो मैंने नहीं देखा था, ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जो मैंने नहीं खेला था, ऐसी कोई गतिविधि नहीं है दोस्तों के साथ जो आपने की वो मैंने नहीं की थी, की है यार सारी, तब भी पढ़ लिए, तब भी टाइम निकल जाता है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है? आज का युग ऐसा आ गया है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो जिस समय में आप पढ़ नहीं रहे हो, आप इंस्टा रील्स चला रहे हो भाई, उससे कुछ मजे नहीं आ गए, वो मजे नहीं आ गए, ठीक है?
भाई इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे चलो सोने पीने, चलो 10 घंटे निकाल लिया, 8 सोना, कम्युनिकेट, कम्यूट करना, तैयार होना, खाना पीना, ठीक है चलो 10 घंटे निकाल लिया, 14 घंटे तुम्हारे पास भाई लाइफ में, 6 घंटे स्कूल चलता है, स्कूल में सब कर लो ना यार मस्ती, तुम्हारी दोस्तों के साथ जो भी यादें वगैरह बना लो स्कूल में, फिर बाकी टाइम को डाला करो ना यार अपनी जेई प्रेप वगैरह में, क्या जा रहा है अभी तुम्हारा, राइट? क्योंकि अगर तुमने ये अभी टाइम यूज कर लिया ना, बाद में जब आईआईटी से तुम ग्रेजुएट हो गए, तुम्हारी अलग चौड़ होगी यार, और वो नहीं होगा अगर तुम ये सब नहीं करते हो। आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अगर आपने अभी से अपनी जेई प्रेप शुरू नहीं की ना भाई, आप सच में लिटरली बिहाइंड हो। मतलब ना पहले ना जेई प्रेप पता है कैसे होती थी, यहां पे शुरू होती थी, 1990 के दशक की बात कर रहा हूं, तब यहां पे शुरू होती थी जेई प्रेप, 12th के बाद बच्चे ड्रॉप लेके पढ़ते थे। फिर कुछ होशियार चंद लोग आए, उन्होंने कहा यार हम एक काम करते हैं, हम ऐसी कोचिंग खोलते हैं जिसमें 12th के साथ ही जेई प्रेप हो जाए, और फिर 12th में करने लग गए। फिर 2010s में कहीं ना कहीं इस तरह का ट्रेंड चल गया कि 11th के साथ में ही आप प्रिपरेशन करो, ठीक है, 11th के साथ में प्रिपरेशन करो, फिर इस तरह का ट्रेंड चल गया 2010s के आसपास, उससे थोड़ा पहले एक्चुअली। और अब 2020s में जो ट्रेंड है ना वो ये है कि 9वीं और 10वीं जेई प्रेप शुरू करने की उम्र है, अब 11वीं 12वीं में शुरू करने का जमाना ही नहीं रहा भाई, अब वो नहीं रहा जमाना। कितने सारे बच्चे होते हैं यार जो कोटा में 9वीं 10वीं से रह रहे हैं, ठीक है, तो है मतलब बच्चे पढ़ते हैं आजकल पहले से, और आजकल ना ये डिफॉल्ट हो गया है, मतलब ये ऐसा नहीं है यार कि ये कोई एक्सेप्शनल चीज है, ये डिफॉल्ट चीज है, ठीक है। सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, बाकी पढ़ना कैसे हो आप सभी बच्चों को पता है यार, आप सब लोग होशियार हो, आप सभी लोग मेहनती हो, है ना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब कर देना, और एक बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मेरा जेई 2026 का जो कोर्स है वो आपको अवेलेबल है ओनली फॉर 4000 रुपीज टिल टुमारो नाइट, ठीक है। तो आज है 5 अक्टूबर, यानी 6 अक्टूबर की रात 12 बजे तक आपको वो केवल 4000 में मिलेगा, वैसे 10000 का आता है, 4000 रुपए का कोर्स अभी पड़ेगा वो जस्ट आज और कल में अगर आप खरीदते हैं। इस कोर्स में ना आपकी पूरी जेई प्रेप अलोंग विद ऑल ओलंपियाड, अलोंग विद ऑल योर जितने भी अदर एग्जाम है, 9th 10th के जितने भी एग्जाम हो गए, IGSO, RMO, IOQM, बोर्ड एग्जाम, सब तैयारी हो जाएगी, प्लस उसमें जेई का भी मटेरियल दिया हुआ है, और आपको और पढ़ना है हमें बताना, हम वो भी करा देंगे, एवरीथिंग वी विल गिव, ठीक है। तो आपको अगर बिल्कुल ऐसा चाहिए कि मैंने जैसे अपनी पढ़ाई करी थी ना 9th 10th में कि अपन यहाँ पर पहुंचे थे सीधा, वैसे आपकी पर करा दूंगा मैं केवल 4000 रुपए के प्राइस में, ठीक है। पूरे 2 साल चलेगा वो आपका कोर्स, सॉरी 1 साल चलेगा आराम से आपका, पूरी 10th तक आराम से पढ़ना उसको बैठ के, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको ले सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट, और मचो यार सब लोग, है ना, बाय।